77वें स्वतंत्रता दिवस के दिन रानीगंज के 35 नंबर वार्ड अधीन मजार शरीफ इलाके में स्थित कब्रिस्तान में शेड निर्माण शिलान्यास स्थानीय विधायक और एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी द्वारा किया गया, परंतु शिलान्यास कार्यक्रम में कुछ त्रुटियां देखी गई। इस बात को लेकर मुस्लिम संप्रदाय के एक वर्ग ने भारी नाराजगी जताते हुए कहा कि कब्रिस्तान पाक साफ स्थान है, इनके अपने कुछ नियम कायदे होते हैं जिनके अनुरूप हर किसी को चलना पड़ता है। शुक्रवार की शाम इसी विवाद को लेकर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने आसनसोल नगर निगम के रानीगंज 2 नंबर बोरो के चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शहजादा के निजी कार्यालय पहुंचे और जमकर नाराजगी जताई। ये लोग त्रुटि के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे थे। इस दौरान जमकर हंगामा भी मचाया गया। घटना की सूचना पाकर रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज सुदीप दास गुप्ता भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उत्तेजित लोगों को शांत कराया। इस बारे में 2 नंबर बोरो के चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शहजादा ने कहा कि गलती मनुष्य से ही होती है, बतौर रानीगंज बोरो चेयरमैन होने के नाते मैं इस त्रुटि के लिए सभी की ओर से क्षमा मांगता हूं और दोबारा इस तरह की त्रुटियां ना हो इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। बतौर बोरो चेयरमैन मेरा दायित्व भी है कि आवाम में शांति बनी रहे। আমি একটা চেয়ারম্যান হিসাবে কি যেরকম শান্তি থাকে, আমি পুরো কম আমাদের সামনে জনগণের সামনে আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম সবাইকার জন্যে। আমি ক্ষমা চাইছি, যা ভুল হয়েছে তো মাফ করে দেওয়ার জন্য আমি যাই। এক চেয়ারম্যান হিসাবে আমি ক্ষমা চাই, আমি গার্জেন আছি, সব তো আমার লোক, শান্তি থাকুক। শান্তি বোঝার জন্যে আমি যেরকম বিবাদ না হয় রানিগঞ্জ। ऐसी विप्लव वादकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।